कुंडा सर बालाजी धाम के रास्ते में भक्तों का सैलाब उमड़ गया है, आप देख सकते हैं भक्त जा रहे हैं। क्या वो मन्नत मांगी थी ट्वेल्थ पास होने की, थी वो पन पूरी हो गई, अब जब तक आते हैं तब तक बोला। मैं देख रहा हूँ आपकी जो शक्ल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बॉबी देओल के फैन हैं बचपन से। मैंने सही किया। अधिक संख्या में जो है भक्त जो है पूना सर मेले जा रहे हैं। जय बाबेरी, क्या बात है, देखिए बीकानेर की इस पावन धरा पर भादवा महीना शुरू होते ही मेलों की शुरुआत हो चुकी है। और हमारे चैनल पर आपने रामदेव मेला 2022 सीरीज देखी है, उसके 3 एपिसोड हमने डाल दिए हैं और आप उसको जरूर उन वीडियो को देखें। अब बीकानेर में पूर्णासर मेला 2022 जो है वो शुरू होने जा रहा है। आज से लोग हैं जो पूर्णासर की तरफ लोगों का सैलाब जो है वो उमड़ रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। देखिए लगातार जो है भक्त हैं जो एक कतार में पूर्णासर मेले की तरफ पूर्णासर धाम की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही अधिक संख्या में लोग जो है भीड़ है। जय बाबेरी, बहुत अधिक संख्या में लोग जो है मेले जा रहे हैं, कुछ गाड़ी में जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं। देखिए भक्तों का जोश जो है वो और बिल्कुल देखते ही बनता है जोश। और देखिए बहुत ही बड़ी ध्वजा के साथ में जो है भक्त जो है पूर्णासर धाम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारी इस पूर्णासर धाम 2022 सीरीज का पहला वीडियो है, आप देखिए बहुत ही शानदार ध्वजा जो है। जय बाबेरी, बहुत ही शानदार रूप से ध्वजा लेके जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अधिक संख्या में जो है भक्त जो है पूर्णासर मेले जा रहे हैं। जय बाबेरी, क्या बात है, देखिए भक्तों का जोश जो है वो देखते ही बन रहा है। बहुत ही अधिक संख्या में जो है पूर्णासर धाम जा रहे हैं, बच्चे बच्चों के साथ में बुजुर्ग तक सभी जो है वो पैदल यात्रा कर रहे हैं पूर्णासर धाम की। और अभी सांझ हुई है तो थोड़ा मौसम जो है वो ठंडा हो चुका है। जय बाबेरी, जय बाबेरी, जय बाबेरी, क्या बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार पुरोहित, यहाँ से मुझे कितने साल से पूर्णासर जा रहे हैं? पूर्णासर मेरे करीब 1981 से जा रहा हूँ पैदल। और उस टाइम जहाँ वहाँ पानी नहीं था और ना वहाँ लाइट थी और जाने वाले को हमेशा के लिए ऐसी परेशानी होती थी जो कि परेशानी अब नहीं है ऐसी। उस समय से आप जा रहे हैं? उस टाइम से जा रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी वक्त जाए उनका मनोकामना पूरी हो और स्वस्थ रहे, यही बाबा भली करे। बाबा की शक्ति है जो आज इतने भक्त जा रहे हैं। बाबे की जय, गोमा रे गोमा। जय बाबे। पूर्णासर धाम जाने के लिए कुछ अपने परिजनों के साथ आते हैं, कुछ दोस्तों के साथ आते हैं। यहाँ मैंने कुछ जो स्टूडेंट्स देखे हैं, ये जो अकेले यात्रा कर रहे हैं इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य व्यास नाम है मेरा। तो आप पहली बार आए हैं या पहले आ रखे पूना सर? पहली बार ही आया हूँ। क्या कारण है आप मतलब अकेले आए हो? क्या वो मन्नत मांगी थी ट्वेल्थ पास होने की, थी वो पन पूरी हो गई, अब जब तक आते हैं तब तक बुलाएगा बाबा, जब तक आएंगे। देखिए इन्होंने जो है मनोकामना की थी कि ट्वेल्थ पास हो जाएंगे तो बाबा के यहाँ पे धोख लगाने जाएंगे। आपका क्या नाम है? कृष्णा कुमार पासवान। आप भी जैसे आपने मनोकामना की हुई थी? हाँ, मेरे भी ट्वेल्थ पास की थी। ट्वेल्थ पास थी साथ में। पहली बार ही आए होंगे आप? हाँ, मैं भी पहली बार ही हूँ। पहली बार बाबा ने जो इनका मनोकामना पूरी करी है और उसी के चलते जो है ये पूर्णासर धाम की यात्रा करने आए हैं। पूर्णासर धाम के रास्ते में रायसर बाईपास से थोड़ा सा आगे यहाँ पर विशाल का एक बहुत ही अच्छी बालाजी की मूर्ति बनाई गई है जो कि मिट्टी में बनाई गई है, बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है, आप देख सकते हैं। लोगों की बहुत ही भीड़ यहाँ पर रुक रही है, लोग यहाँ पर सेल्फियाँ ले रहे हैं और लोग जो है अपनी फ़ोटो जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं, बहुत ही सुंदर। आप बात करेंगे अब ये जो मूर्ति बनाई है, ये जो कला है बहुत ही शानदार कला है और आप देख सकते हैं। हाँ साहब, क्या नाम है आपका? राकेश गहलोत। ये जो आपने प्रतिमा बनाई है बहुत लोग जो इसको है वो एडमायर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। तो किस तरह से आपने ये शुरू किया, किससे प्रेरणा मिली आपको?
प्रेरणा तो किसी से नहीं मिली, गॉड गिफ्ट है मेरा तो ये। क्या बात है, देखिए बालाजी की कृपा है और इनके ये बोल रहे हैं गॉड गिफ्टेड इनको ये कला मिली हुई है बहुत ही शानदार रूप से। आपने और भी मूर्तियाँ बनाई हुई है ऐसी? बहुत सारी। कब से ये काम कर रहे हैं? 2011 से। 2011 से इसमें? अच्छा, 2011 से आपने शुरू किया और आज जो है बहुत ही सुंदर बनी है। तो क्या आपका मतलब क्या मोटिव है इसके पीछे, ये जो काम आप करते हैं? और आप क्या काम करते हैं वैसे? मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप भी है। अच्छा। और मैं पेंटिंग भी करता हूँ, ये सैंड आर्ट का काम भी है। सैंड आर्ट का काम है और वैसे मोबाइल रिपेयरिंग का काम है। बहुत ही सुंदर। आप एक बार और आप दर्शन कीजिए, बहुत ही भव्य मूर्ति जो है यहाँ पे बनाई गई है लग रहा है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहित पवार। कैसी लगी? बहुत शानदार मूर्ति लगी, मतलब कि यहाँ से निकलने के बाद इच्छा ही नहीं है कि आगे जाऊँ, यहीं खड़ा हो जाऊँ दर्शन करने के। मतलब बहुत ही मनमोहक है, देखते ही रहे, मतलब देखते ही रहा, मज़ा आ गया। क्या बात है। जय जय बाबे, जय बाबे। देखिए बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पे, और आगे अब आपको पूर्णेश्वर धाम में आगे रास्ते में और भी आपको दिखाएंगे, आगे चलते हैं। पूर्णेश्वर बालाजी धाम के रास्ते में भक्तों का सैलाब उमड़ गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ के साथ में लोग जो हैं वो पैदल चल रहे हैं और जो सेवादार है वो बहुत ही अच्छी तरह से सेवा दे रहे हैं। देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, ये आप रास्ते में देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत अधिक संख्या में हैं और भजन चल रहे हैं, लोग जो है वो भक्त जो है डांस कर रहे हैं और जो है सेवादार सेवाएं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, खूब भीड़ है। उधर देखिए आप, उधर जो है सेवादार देखिए आप, चाय और पकौड़ी कोफ्ता यहाँ पे सेवा में दिया जा रहा है और भक्तों का सैलाब जो है वो उमड़ा गया है बीकानेर से। बहुत ही अच्छा लग रहा है, 2 सालों के बाद में इतनी भीड़ जो है वो एक साथ पूर्णेश्वर जा रही है बालाजी के, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये चीज़ देखकर। जरूर आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो मंडल है गोटा मंडल नाम से सेवा है और स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पे बालाजी की, बहुत ही अच्छा। अभी हम खड़े हैं नॉइंग देशर से 1 किलोमीटर पहले और यहाँ पे संजीवनी सेवा समिति जो है उनके द्वारा सेवा दी जा रही है, जो कि डागा चौक बीकानेर से ये सेवा है, जो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मेडिकल सेवा भी है और खाने की सेवा भी है, बहुत अच्छी सेवा लगी हुई है। और हम आनंद ले रहे हैं मेले का, घूम रहे हैं, आपको भी घर बैठे हम मेले की जो है कवरेज दे रहे हैं और घुमा रहे हैं आपको भी। तो मिलेंगे, नमस्कार, आपका क्या नाम है? हेमंत रंगा। ये जो सेवा है ये कितने वर्षों से लग रही है और क्या क्या इसमें विशेषता है सेवा की? हमारी सेवा जो है वो 2011 में शुरू की गई थी और उस समय हमने ये प्लान किया था कि हम पानी और चाय की सेवा शुरू करेंगे, लेकिन पूर्णेश्वर बाबे की कृपा रही और आज लगभग हमारे सेवा को 12 साल हो गए हैं। 2 साल कोविड की वजह से सेवा नहीं लगी थी तो हमने लगभग 10 साल यहाँ कम्प्लीट कर लिए हैं और हम पानी, चाय, दूध, राबड़िया, खाना, बूंदी, कोफ्ता ये सब यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा मेडिकल की सुविधा भी हमारे उपलब्ध है। मेडिकल के अलावा हमारे यहाँ पर एक्यूप्रेशर की मशीन भी लगती है, अगले दिन कल सुबह रहेगी, तो उससे हम काफ़ी जो यात्री आते हैं उनका जो दर्द है उसको भी हम कम करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे इन्होंने पूरी जानकारी दी है सेवा के बारे में। और बात करते हैं यहाँ पे, जय सियाराम। जय सियाराम। क्या नाम है सर? सुनील कुमार जोशी। इस बार जैसे कोविड के बाद में ये जो अब इस बार जो सेवा लगी है कितनी खुशी हो रही है इस बात की? बहुत ही खुशी हो रही है, बाबे की कृपा है, बहुत ही खुशी हुई है भाई साहब। हमारे को बाबे ने बचाया सबको, हम बोल रहे हैं कि सबको बचाए और भी अपनी गौ माता को भी बचाए साथ में, हम तो ये साथ में। बहुत ही बढ़िया। गौ माता के अभी जो लंपी जो रोग है वो बाबा से यही प्रार्थना है कि जल्दी से वो ख़त्म हो जाए। मैं देख रहा हूँ आपकी जो शक्ल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बॉबी देओल के फ़ैन हैं बचपन से। मैंने सही गेस किया है। मतलब बॉबी देओल के फैन नहीं है, बीकानेर के बॉबी देओल है, ठीक है ना। हम जब बच्चे थे छोटे, हालांकि हमारे हम उम्र है लेकिन उस समय से हम इनको बॉबी देओल ही कहते हैं और कोई हमें कहता है तो हम यही कहते हैं चाहे वो क्या, वो बॉबी देओल वहाँ रहता है। ये इनकी एक पहचान है, ये शहर की एक हमारी प्रतिभा है। मतलब जैसे खुद का नाम लेकर बॉबी का नाम से इनको जानते हैं? हाँ, एकदम बॉबी के नाम से जानते हैं, प्रेम है इन लोगों का। अरे अरे, मैंने जैसे सही गेस किया है कि आपको बॉबी देओल के जो फेस कट है आपको बिल्कुल ऐसे मिल रहा है, प्रेम है ये सब। क्या बात है, जय बाबेरी, जय बाबेरी, जय बाबे, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सेवाएं जो हैं, देखो आपको दिखाते हैं किस तरह से जो है वो सेवाएं लगी हुई है। देखिए कोफ्ता और बूंदी के साथ में यहाँ पे प्रसाद बांटा जा रहा है, बच्चे भी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल देखिए आप बच्चे सेवा दे रहे हैं, देखिए बहुत ही जैसे
बच्चों का जैसे देखिए अभी से जब यहाँ पे बच्चे सेवा देंगे तो आगे जो है यही आगे जाके ये सेवा को चलाएंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। पर पूरा परिवार साथ में आ रखा है। बिल्कुल 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 लगाइए बोलपुर। अब हम जो है नौरंग देसर पहुँच चुके हैं और बीकानेर से नौरंग देसर तक आपने ये पूरा ब्लॉग देखा है, और इधर से जो ये रोड आती है यहाँ तक जो है सड़क है, सड़क के बाद में जो रास्ता जो पूर्णेश्वर धाम के लिए जाता है जो भक्त है वो इस रास्ते से यहाँ पे कच्चा है, पूरा कच्चे से यहाँ पे गाँव से होते हुए जो है भक्त जो है जाते हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्यों योगेश मेरे साथ है, योगेश कैसा लगा इस पूरी यात्रा में? इस यात्रा में मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और ये जो व्लॉग था ये हमारा पूर्णेश्वर व्लॉग का पहला एपिसोड था, और इसी के साथ ही नौरंग देसर तक हम आ चुके हैं। और यहाँ से कल आपको पूरे दिन का जो व्लॉग है वो दिखाया जाएगा, जो शायद आगे ये कुंडिया तक जाएगा वहाँ तक चले जाएंगे, फिर उसके बाद में तीसरा जो व्लॉग होगा वो वहाँ से पूर्णेश्वर मेले के अंदर मेले के दिन ही पहुँचेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ सारे टीम मेम्बर्स खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो एक जगह राजा है सर, इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम।